अब क्या हुआ यार? हम दोनों पति पत्नी हैं, हमारी शादी हो चुकी है, अब कौन सी चीज तुम्हें मेरे पास आने से रोक रही है? तुम्हारे दिमाग में अपनी पत्नी के बजाय फालतू चल रही है ना? हमारी फर्स्ट नाइट में भी तुम फालतू के बारे में सोच रहे हो ना? जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है तनु। लिसन, आई नो तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। आई रियली रिस्पेक्ट दैट। देखो तनु, हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, इतने अच्छे दोस्त रहे हैं। अब अगर हम एक्सपेक्ट करें कि एक रात में वो रिश्ता एकदम से बदल जाए तो ऐसा नहीं होता है ना तनु। मैं चाहता हूं कि अगर हम दोनों करीब आए तो नेचुरली आए, जबरदस्ती नहीं। लिसन, आई नो दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड बट आई जस्ट होप तुम समझ रही हो। पक्का यही रीजन है ना? और क्या रीजन हो सकता है तनु? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगी। थैंक यू, मैं चेंज करके आता हूं। नहीं आया, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे अंदर जो मैंने टेंशन महसूस की है वो कुछ और ही बता रही है। ना चाहते हुए मुझे सिर की बातें सच लगने लगी है। फालतू हमारे बीच आ रही है और मैं ये होने नहीं दूंगी। मुझे फालतू का सच पता करना बहुत जरूरी है। लाडो, तूने जैसे मसाले कहे थे सारे के सारे ले आया हूँ। बस अब माता रानी कृपा करे और ये सारे बिक जाएं। इंसान नालो बापूसा, खूब बिक्री होवेगी। वैसे भी मसाले का काम तो गढ़ है थारा, और किसी भी काम से 100 गुना बेहतर है ये काम। देखना खूब अच्छा चलेगा हमारा काम, एकदम चोखा। 100 दाम सत्य बोला है बहना ने। और वैसे भी बड़ा शहर मतलब बड़ा बिजनेस, और तेल मसालों की जरूरत तो रोज सबको पड़ती है। बिटिया, तुम लोगों ने तो यहाँ अपनी दुकान लगा दी। आपको तो पता ही है यहाँ शहर में कोई काम धंधा ना मिला तो सोचा हमें जो आता है वही कर लें। इतरपुर में हमारा मसालों का बिजनेस था, और मसालों की परख में हमारे बापूसा का हाथ कोई ना पकड़ सकता। मासी, अगर थे को थारे पापड़ों के लिए मसालों की जरूरत हो ना, हमारे बापूसा से लेना। माता रानी की कसम, एक नंबर क्वालिटी के एकदम शुद्ध मसाले मिलेंगे थारे को। बड़ी चालाक है लड़की, मौके पे चौका मार ही देती है। अरे दूसरे पापड़ तो तब बनेंगे ना जब ये बिकेंगे। चल जल्दी से इसे पैक कर दे। जी। प्रताप, बहुत पैकेट बन गए बेटा, पहले इनकी बिक्री करेंगे फिर आगे का सोचेंगे। और लाडो, तू भी ये पापड़ की पैकिंग पूरी कर ले, फिर आकर तुझे आंखों के शिविर में भी लेकर जाना है ना। माता रानी चाहेगी तो हमारा काम वहां जरूर बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा ताऊ जी। तो चल प्रताप। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे दिमाग में अपनी पत्नी के बजाय फालतू चल रही है ना? क्या गलती है तनु की? वो तो सिर्फ अपने पति के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्या गलत है उसमें? और एक तरफ मैं हूं जो उस फालतू से इतना कड़वा सुनने के बाद भी उसे अपने मन से नहीं निकाल पा रहा हूं, लेकिन वो भी चल दूंगा। बस एक बार वो सीसीटीवी फुटेज वाला लड़का मुझे मिल जाए। डॉक्टर साहब, आप? राम राम। राम राम। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। आपको किसी भी कैंप में जाने की जरूरत नहीं है इसके इलाज के लिए। फालतू के ट्रीटमेंट के लिए मैंने काम शुरू कर दिया है।
क्या मतलब है थारा डॉक्टर साहब? मैंने अपने बॉस से बात की है, उन्होंने अपने किसी जानने वाले डॉक्टर से बात की है, अगर हो सके तो फालतू का इलाज मुफ्त में हो सकता है। अरे अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा होगा डॉक्टर साहब, है तो हमारे लिए फरिश्ता बन के आए हो। आप ये सब कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। आजकल के जमाने में थारे जैसे लोग मिलते कहाँ हैं, आपको तो देखकर मन खुश हो जाता है। घना आभार आपका। हाँ मैं ये आप लोगों के लिए कुछ चीजें लाया था, इसमें आप दोनों के लिए शर्ट्स हैं और फालतू इसमें तुम्हारे लिए सलवार कमीज। देखो कैसी है। देखो ये ना करना चाहिए था डॉक्टर साहब, हम लोग परेशान जरूर हैं, पर इतने लाचार और मजबूर ना कि अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े भी ना खरीद सके। आज के बाद ये सब मत करना प्लीज। लाडो बिल्कुल ठीक कह रही है डॉक्टर साहब, आपके वैसे ही बहुत एहसान है हम पर, हमें और बोझ में मत दबाइए। ये सब मैं एहसान जताने के लिए नहीं कर रहा हूँ अंकल, आप लोगों के साथ एक रिश्ता सा जुड़ गया है और मैं इसीलिए जो कुछ भी करता हूँ मुझे कम लगता है। और इससे बढ़कर एक और बात है जो आज मैं आप लोगों से करने आया हूँ। एक्चुअली मैं आप लोगों की परमिशन लेना चाहता हूँ ताकि उसके बाद मैं अपने घर पर बात कर सकूँ। मैं समझा को नहीं। बात दरअसल ये है अंकल कि मैं फालतू को पसंद करता हूँ और उसे शादी करना चाहता हूँ। I'm sorry. कल रात जो भी हुआ उसके लिए I'm really sorry. देखो तनु, तुम मुझसे हमारे इस रिलेशनशिप से जो कुछ भी एक्सपेक्ट करती हो उसमें कुछ गलत नहीं है, बिलीव मी। मैं बस चाहता हूँ कि हमारी फ्रेंडशिप की तरह हमारी ये मैरिड लाइफ भी बेस्ट हो, और उसके लिए मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। It's okay, यार। हाँ, कल जब चीजें वैसी नहीं हुई जैसे मैंने सोचा था तब मुझे थोड़ा बुरा लगा था, पर जब मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तब मुझे रियलाइज हुआ कि तुम गलत नहीं हो, और रिश्ते जबरदस्ती तो नहीं निभाए जाते ना। आज से आज थारे और मारे रास्ते हमेशा के लिए अलग होंगे, हमेशा के लिए अलग होंगे। और अब मैंने सोच लिया है कि जब तक तुम रेडी नहीं होते मैं वेट करूंगी। और एक और चीज मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम जब भी मेरे पास आओ पूरी तरह आना, क्योंकि मैंने दोस्ती से वाइफ तक का सफर तय कर लिया, लेकिन जब तुम एक दोस्त से हस्बैंड बनने के लिए तैयार हो जाओगे हम तभी अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तब तक मैं तुम्हारा वेट करूंगी एंड एज ऑलवेज तुम्हें सपोर्ट करूंगी। ऐसे क्या देख रहे हो मिस्टर हस्बैंड, सात फेरे लेकर तुम्हारी लाइफ में आई हूं, अब कहीं नहीं जाने वाली, और तुम कहोगे तब भी नहीं। और अब अगर तुमने तय कर ही लिया है कि तुम फिलहाल मेरे हस्बैंड नहीं बनना चाहते हो तो तुम घर में बैठकर क्या करोगे, मुझे परेशान। मैं बाबा से बात करती हूँ, वो तुम्हें मार्ट में तुम्हें इन्वॉल्व कर लेंगे, और वो भी आज से ही, ताकि तुम अपना माइंड डाइवर्ट कर सको। ओके रियली तनु, तनु थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। पता है जरूर पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे मैं जो तुम जैसी बीवी मिली है। जाओ अब रेडी हो जाओ, मैं बाबा से बात करती हूँ। यस पुण्य तो तुमने किए हैं, इसीलिए आज हम साथ हैं। इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपनी लाइफ से नहीं जाने दूंगी, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। मैं जानता हूं कि आप लोग ये सोचकर हैरान हो रहे होंगे कि अचानक से मैं फालतू का हाथ मांगने कहां से चला है, लेकिन मेरा यकीन मानिए मैंने फालतू को जब से देखा है उसकी सादगी मुझे भा गई है। फालतू को आज दिखाई नहीं देता है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, हमें इसकी बीमारी का पता चल चुका है और जल्द से जल्द हम इसका इलाज भी करवा लेंगे और जल्द ही फालतू की रोशनी भी वापस आ जाएगी। लेकिन मुझे फालतू जैसे सिंपल लड़की जो सबका ख्याल रखती हो,
जो दिल की साफ हो वो नहीं मिलेगी। मैंने हॉस्पिटल में देखा था कैसे ये दो औरतों का झगड़ा सुलझाने के लिए अपने हिस्से का सेब उन्हें दे दिया था। ये लो, आराम से दोनों खाओ और अब झगड़ना नहीं, ठीक है? नहीं। ये थे के कह रहे डॉक्टर साहब, ये जानते हुए भी कि लाडो देख को नहीं सके, अब तो भगवान हो मने। बापू साहब, है कौर प्रताप भाई साहब को ये मसाले बेचने जाना था ना? है लोग जाओ, देर हो जाएगी, मारी को डॉक्टर साहब से अकेले में कुछ बात करनी। अकेले में बात करनी? क्या बात करनी? करनी है बापू साहब, अब मैं तारी छोटी सी लाडो ना रही, बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई। और वैसे भी डॉक्टर साहब ने हमारी कितनी मदद की है, और अगर वो हमारे जीवन भर का साथ मांग रहे हैं, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले मैं उनसे बात भी ना कर सकूं। ठीक है, कर ले बात। डॉक्टर साहब, हमारे को ग्राउंड के पास वाले रास्ते पर ले जा सकते हो, हम वहीं बात कर लेंगे। ठीक है फालतू, जैसा तुम्हें ठीक लगे आओ। इतनी सुबह सुबह के सोच में खोई हो? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि मैं बाबा को कैसे मनाऊं ताकि वो अयान को नायगांव वाला बिजनेस हैंडल करने दे। लेकिन क्यों? आई मीन तुम खुद चाहती थी ना कि भाई ऑफिस ना जाए, तो फिर अचानक क्यों? मैं सब कुछ संभाल तो रहा हूँ, सब ठीक है। मुझे पता है सर, मैं तो बस अयान को नायगांव वाले मार्ट के काम में इन्वॉल्व करवाना चाह रही हूँ, बाकी तो तुम सब संभाल ही रहे हो। पर नायगांव वाले प्रोजेक्ट में क्यों? तुमने ही कहा था ना कि फालतू मार्ट के पास वाली बस्ती में रहती है, तो जब फालतू और अयान आसपास होंगे तो हमें कुछ पता चल सकता है और शायद हमारा शक यकीन में बदल जाए। यस, वैसे मैं भी यहाँ यही बताने आया था कि मैं मंदिर जा रहा हूँ जहाँ पप्पी फालतू से जबरदस्ती शादी कर रहा था, वहाँ के पंडित से और बाकी जो आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ करूंगा। आई एम श्योर कुछ ना कुछ जरूर पता चलेगा। थैंक यू सर, तुम सब कुछ पता करो एंड मेक श्योर किसी और को कुछ पता ना चले। ये भी कोई बोलने वाली बात है क्या तनु? अच्छा, तुम्हारा आदमी फालतू पे नजर रखे हुए है ना? 24 घंटे। ओहो, आयान और तनिषा दोनों आ गए। वेलकम वेलकम। भाई साहब, आयान को ऑफिस ज्वाइन करने की परमिशन देकर आपने तो इसकी जानी बचा ली, वरना 30 दिन के अंदर तो बेचारा तड़प तड़प के मर जाता। भाई साहब, उसका चेहरा देखिए, फूल सा चेहरा किस तरह मुरझा गया है। चाचू भाई, अरे चेहरा देखो इसका, खुशी टपक रही है। पर तनिषा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तूने इतनी जल्दी अयान को ऑफिस जाने की परमिशन कैसे दे दी? 1 महीना ना सही, एटलीस्ट आधा महीना तो उसको रोक के रखती। और रही काम की बात, तो सिर है ना, कितने अच्छे से संभाल रहा है और सारे उसके काम से कितना खुश है। वो तो है चाची, लेकिन आप सबको तो पता है ना कि अयान को अपने काम से कितना प्यार है, घर में बैठ के बिना वो सिर्फ काम के बारे में ही सोचता रहता है, और अगर अयान काम पर जाएगा तो ये हमारे रिलेशनशिप के लिए भी हेल्दी होगा। तुम उसकी फिक्र मत करो तमु, उसके लिए मैं हूँ। हाँ, अगर तुमने इसकी ऑफिस जाने की सिफारिश नहीं की होती ना, तो मैं तो इसकी छुट्टी बढ़ाने के मूड में था। लेकिन सच में तनु, ये तुमने बहुत सही डिसीजन लिया। इसे कहते हैं घर की असली लक्ष्मी। बिना कुछ कहे ये समझ गई थी कि हमें अयान की जरूरत है इस नए प्रोजेक्ट में, और बिना कुछ कहे उसकी छुट्टी उसने कैंसिल करवा दी। तनु बेटे, तुमसे ज्यादा समझदार बहू हो ही नहीं सकती। अच्छा, आप जाओगे या मैं छोड़ने आऊं? नहीं नहीं, मैं जाता हूँ। अच्छा, जल्दी आ जाना, मैं इंतजार करूंगी। थैंक यू, बाय माँ, बाय बाबा। करना क्या चाहती है ये लड़की, और मेरा सपूत वो कहाँ है, कहाँ गायब है सुबह सुबह? मुझे पता है फालतू तुम क्या बोलने वाली हो, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले प्लीज एक बार सोच लेना। मैं तुमसे शादी करके तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, एक डॉक्टर हूँ, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि एक ना एक दिन तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी, और उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। फालतू, तुम देख सको या ना देख सको, मैं हर कंडीशन में तुम्हें अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। एक बार तुम अपने बापू साहब के बारे में भी तो सोचो, वो अभी तुम्हारे इलाज पे खर्च करेंगे, फिर तुम्हारी शादी पे, तुम्हारे दहेज पे, लेकिन मेरी फैमिली को तुमसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें बस एक अच्छी बहू चाहिए जो तुम बन सकती हो। हाँ, कर दो ना फालतू। थे जो बोल रहे हो सब मैं सोच चुकी हूँ डॉक्टर साहब, उसके बाद ही थे को यहाँ लेकर आई हूँ जवाब देने के लिए।
पर उससे पहले तेरा सच जानना बहुत जरूरी। वो सच जो प्रताप भाई साहब और बापू साहब को भी ना पता है। ऐसी कौन सी बात है जो उन दोनों को भी नहीं पता है? तेरे को याद है मंदिर में मैंने थारे से कहा था तेरे को सब कुछ सच सच बता दूंगी। पर तो पूरा भरोसा है हमारे को, इसलिए तेरे को वो सब भी बता दूंगी जो परिवार वालों को ना बता सकती। समझो वो सच बताने का समय आ गया डॉक्टर साहब। मारा ब्याह हो चुका है डॉक्टर साहब। मारी मांग में किसी और के नाम का सिंदूर है। भले ही सिंदूर समाज और कानून के लिए कोई मायने ना रखता हो, पर मारे लिए पूरी रीति रिवाज से किए गए ब्याह से कम ना है। मैं अपने मन में किसी और को अपना पति मान चुकी, भले अपने परिवार वालों को ना बता सकूं, पर मैं जानू मारी माता रानी जानी कि मारी मांग सुनी ना है। मतलब उस दिन मंदिर में जो तुमने अपनी शादी के बारे में कहा था वो सब सच था, बस तुमने अपना पति मुझे बता दिया था जबकि तुम्हारा पति कोई और है। हाँ डॉक्टर साहब, पर तब मैंने ये ना पता था कि तुम मुझे पसंद करने लगोगे, मारे घर रिश्ता ले आओगे। मैंने तो लगा था बस इंसानियत के नाते हमारी मदद कर रहे हो। मारा ये सच में किसी के सामने ना आने देना चाहती थी, पर तारी जिंदगी का सवाल है इसलिए तेको बता दी। तारा बहुत आभार है हम पे डॉक्टर साहब, पर मैं तारे से ब्याह ना कर सकूं, मैंने माफ कर देना। अब इसे क्या हो गया? लगता है हीटअप हो गई है, उधर पानी कहाँ मिलेगा? हरे पति के बारे में कुछ ना पूछना डॉक्टर साहब, टैगो धोखे में ना रखना चाहती थी इसलिए सब सच बता दिया, पर अब इससे ज्यादा कुछ ना बता पाऊंगी। और तै भी मारे से ब्याह वगैरह की बातें ना करना आपसे। और एक और विनती है तारे से, इस बारे में प्रताप भाई और बापू साहब को बिल्कुल ना पता लगना चाहिए। इसके लिए तुम निश्चिंत रहो फालतू, उस बारे में मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, प्रॉमिस। जब इतना बड़ा बम तुमने फोड़ दिया है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ तुमसे? क्या चाहिए तेको? भले ही हमारी शादी नहीं हो सकती लेकिन हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना, मुझसे दोस्ती करोगी फालतू? मुझे पता है तुम मुझसे कोई भी मदद बिना किसी रिश्ते के नहीं लोगी, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। दोस्ती क्योंकि थैने मारे को जितना समझा और मारी जितनी मदद की है ना, इतना तो कोई सच्चा दोस्त ही कर सके। तुम्हारे ये दोस्त तुम्हारी हर तरह से मदद करेगा, प्रॉमिस। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।